हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से मैं ब्रज किशोर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर को चालू करने जा रहे हैं। आज का चैप्टर जो है वह रियल लाइफ में बहुत अपने को इम्पॉर्टेंट है। तो अपने लास्ट क्लास में ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट को हम लोग देखे थे, बहुत सारे अपने मेथड्स को पढ़े थे। तो आज के डेट में अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम जिसे गॉस थ्योरम कहा जाता है, जिसका उपयोग बहुत सारे अपने को एप्लीकेशन को बनाने में किया जाता है। हम लोग आज पहले गॉस थ्योरम को समझेंगे, फिर देखेंगे क्या गॉस थ्योरम का यूज़ करके अपने लोग किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को कितने आसानी से बना सकते हैं। यदि मैं गॉस थ्योरम का उपयोग ना करूं तो इस सभी जो प्रॉब्लम को मैं बनाने जा रहा हूं, इसे मैं कूलम्स लॉ से भी बना सकता हूं। लेकिन कूलम्स लॉ में क्या हो गया, आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा, जो क्या होगा कम्प्लेक्स टाइप का, मैं क्या होगा जो जटिल हो गया या अपने को कम्प्लेक्स क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या होगा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अपने लोग क्या करेंगे, गॉस थ्योरम से सेम प्रॉब्लम को जो जिससे मैं कूलम्स लॉ को बनाने में काफ़ी समय लगेगा, उसे गॉस लॉ का यूज करके मैं काफ़ी कम समय में बहुत आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को आज का जो अपने को मेन उद्देश्य है, जो मेन अपने को प्रॉब्लम है, वे कैसे अपने को गॉस थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट समझा, मैं गॉस थ्योरम क्या है, व्हाट इज गॉस थ्योरम, और फिर से गॉस थ्योरम का मैं कैसे किसी पार्टिकुलर फील्ड में कैसे मैं यूज करूं, तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आपको गॉस थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो आप फिजिक्स के ना बहुत सारे प्रॉब्लम को बहुत कम समय में बहुत आसानी से आप बना सकते हो। और ख़ास करके जो JEE हो गया, नीट हो गया और PTE वगैरह के कंपटीशन में जहाँ समय की बहुत कमी होती है, उस जगह में गॉस थ्योरम का उपयोग करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही अपने को नेसेसरी या अनिवार्य होगा और आप बहुत कम समय में इसका उपयोग करके किसी प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे मूव करते हैं और क्या हुआ जो अपने को मेन उद्देश्य है चैप्टर का उसको समझते हैं, जो क्या है गॉस थ्योरम है ना। गॉस थ्योरम को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो चलिए हम लोग का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये यहाँ पर, और इसमें क्या है गॉस थ्योरम को अपने लोग यहाँ से ये समझते हैं। आगे हम लोग यहाँ से निकलते हैं तो थोड़ा सा आप रोकना, एक इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी है वे क्या होता है उसको समझ लाते हैं। उसके बाद यहाँ तो क्या हो गया कि जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना अलग अलग पोजीशन में होगा, तो हमेशा क्या होगा एक ना अपने को एनर्जी को ना अपने को क्या प्रोड्यूस करता है। और ये जो भी एक चार्ज सिस्टम बन जा रहा है उसके अंदर जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको आइए यहाँ से ना देखते हैं। तो क्या हो रहा है कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, एक मान ले क्यू है, Q1 एक चार्ज है, एक दूसरी कोई अपने को पार्टिकल है एक चार्ज Q2 है। तो मैं ना इसको ना कहीं से ले आ रहा हूँ ना, कहाँ से, अनंत से मैं खींच करके और अपने पोजीशन पर ले आता हूँ किसी एक पोजीशन पर। तो ये दोनों के बीच में ना एक क्या है एनर्जी अपने को क्या होगा रहेगा हमेशा। तो इस एनर्जी को हम लोग कैसे दिखाते हैं, यू से हम लोग दिखाते हैं, और जो एनर्जी होता है ये वर्क डन के बराबर होगा। तो हमेशा जहाँ भी कोई एनर्जी स्टोर होगा ये हमेशा क्या आपके वर्क डन के बराबर होगा। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे वर्क डन का फार्मूला था 1/4π ε0 और ये होगा Q1 और क्या Q2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये R है ना। तो इसको क्या दिखाते हैं, ये R दिखाते हैं। तो थोड़ा सा ना दोस्तों आप लोग ये फार्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा कि मैं जब भी ना क्या होता है कि जब वर्क डन मैं करता हूँ तो ये एक एनर्जी में ना स्टोर अपने को होते जाता है। और ये जो एनर्जी का फार्मूला होता है U बराबर ये 1/4π ε0 और क्या Q1 Q2 r हो गया। R क्या है, दोनों के बीच के डिस्टेंस है ना। अब मान लिया जाए कि कोई मैं तीसरा चार्ज को मैं फिर से यहाँ पर Q3 को लाऊँगा तो इसके अगेंस्ट हमको काम करना पड़ेगा, किसके, Q1 के अगेंस्ट में, और क्या होगा Q2 के अगेंस्ट में, दोनों में काम करना पड़ेगा। तो इसमें ना दो और अपने को एनर्जी ऐड करना पड़ेगा, Q1 और Q3 को हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं, Q1 और Q2 पहले से था Q1, तो Q1 और Q3 के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं R1 या R2, और इसके बीच में होगा तो यहाँ पर हो गया। तो मैं जब भी एक नया चार्ज को मैं कहीं से यहाँ पर जब लाऊँगा तो इस अपने को चार्ज के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा Q2 के थ्रू, और कुछ अपने को होगा Q1 के अगेंस्ट में कुछ काम करना पड़ेगा। ये दोनों को मैं क्या करूँगा एक जगह जब यहाँ ऐड करूँगा तो जो चार्ज एनर्जी होगा ये U1 किसके कारण था, Q1 Q2 के कारण, U2 हो जाएगा Q1 Q3 के कारण,
और U3 हो जाएगा Q1 Q2 को, मैं सबको जब ऐड करूंगा एक साथ तो जो एनर्जी अपने को ये जनरेट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी ना। तो ये इसको हम लोग ना यहाँ और अच्छे तरीके से ना समझते हैं, तो इसको अपने लोग ना यहाँ यूज करते हैं। आइए तो इसे हम लोग ना और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये दिखा रहा, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, वर्क डन जो होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, ये क्या Q इंटू V होगा। Q क्या है, चार्ज है पार्टिकल का, और V क्या है, वहाँ पर पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह मूव करने पर कितना अपने को ये करना चेंज हो रहा पोटेंशियल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, V होगा। ये भी क्या है, एक वर्क डन, वर्क डन को क्या Q से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये W आ गया। तो थोड़ा फार्मूला को याद रखिएगा, V हमेशा ना चेंज इन पोटेंशियल होता है, Q V ना, ये थोड़ा डाउट रहता है V करने से, लेकिन ये हमेशा क्या होता है, Q V अपने लोग का ना ऐसा रहेगा। तो ये वर्क डन बराबर क्या हो गया, Q इंटू V ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो होगा हमेशा एक एनर्जी के टर्म में रहेगा, है ना, हमेशा क्या होगा एक एनर्जी के फॉर्म में यहाँ से स्टोर होगा। तो ये ना अपने लोगों को एनर्जी, तो इसको आइए हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये अपने लोग क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम से, अपने लोग ये क्या एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं जिसमें इसको ना प्रॉब्लम को हम लोग समझेंगे। तो क्या तीन एक्सिस है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस है, दूसरा क्या आपका वाई एक्सिस है, तीसरा क्या जेड एक्सिस है। अब इसमें ना हम लोग किसी चार्ज को रखते हैं, अब मैं जब दूसरे चार्ज को कहीं से ले आऊँगा तो इसमें क्या एनर्जी स्टोर हो रहा है उसको अपने को बड़ा अच्छे से समझने की ज़रूरत है हम लोग को। तो क्या हुआ, एक चार्ज है क्यू वन है ना अपने लोग का, और इसका ना कुछ अपने लोग का ये डिस्टेंस है। दूसरा चार्ज क्या है क्यू टू है, तीसरा अपने को क्या है, दोनों का ये हो गया इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, है ना, अपना पोजीशन वेक्टर आर वन है, और दूसरा का क्या आर टू है ना, ये कहीं पर पोजीशन में है उसका पोजिशनल वेक्टर बोलते हैं आर वन एंड आर टू को। ये दोनों के बीच का जो वेक्टर को हम लोग दिखाते हैं आर टू माइनस आर वन होता है पोजिशनल वेक्टर। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये अपने को जो एनर्जी स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोलते हैं ना, तो एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वन अपॉन फोर पाई एफ एप्सिलॉन जीरो होगा, और ये होगा क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू माइनस आर वन होगा। आर टू आर वन क्या होगा, दोनों के बीच का ये मैग्नीट्यूड यहाँ दिखा, तो मैग्नीट्यूड मैंने कहा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना अपने को, दोनों के बीच का जो दूरी है ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होता है दूरी ना, कभी कभी निगेटिव नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव जो दूरी है उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये रख लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या है डिस्टेंस आर भी हम लोग दिखाते हैं, तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू अपॉन क्या होगा आर हो जाता है। तो ये ना आपका क्या पोटेंशियल एनर्जी ऐसा रहेगा। तो इसको ना और हम लोग क्या ऐसे ऐसे ज़्यादातर दिखाते हैं, इसको हम लोग ना इस फॉर्मूला को ऐसे दिखाते हैं क्या आर वन टू, तो वन टू का मीनिंग क्या है डिस्टेंस बिटवीन अपने को पार्टिकल वन टू ना, दो चार्ज जो है आर वन और आर टू के बीच की दूरी को हम लोग ऐसा दिखाते हैं। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा दोस्तों याद रखिएगा आप लोग थोड़ा, ये पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगा हमेशा क्या ड्यू टू वर्क डन हो रहा है, और ये वैल्यू होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और ये होगा क्यू वन बाई क्यू टू और डिवाइडेड बाई क्या हो गया आर वन आर टू, ये यहाँ से अपने को स्ट्रेन एनर्जी ऐसा कर जाएगा। तो यहाँ से ना अपने लोगों को क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द थ्री पार्ट, मैं दो था तो दो में ऐसा था, अब तीन अपने को चार्ज होगा क्या होगा, फिर अपने को एन चार्ज होगा तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे इसको यहाँ पर ना देखते हैं। तो आइए हम लोग ना यहाँ से और आगे निकालते हैं, तो यहाँ पर ये हो जा रहा है, यहाँ से हम लोग निकालते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर तीन एक्सिस है, एक्स है वाई है और क्या होगा जेड है, तीन एक्सिस आप अपने पास है। अब ना यहाँ से ना क्यू वन होगा, दूसरा चार्ज क्यू टू हो गया, तीसरा चार्ज क्या क्यू थ्री हो गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तीन चार्ज है, पहला क्या क्यू वन है किसी एक पोजीशन पर रखा हुआ है, उसका अपने पोजीशन क्या वेक्टर कैसे दिखाते हैं आर वन से, दूसरा चार्ज क्या है क्यू टू हो गया, तीसरा चार्ज क्या है क्यू थ्री हो गया। अब ये तीनों के बीच का ना डिस्टेंस को अपने को हमेशा निकालना है, तीनों के बीच की क्या दूरी हो गया, तो इसको हम लोग देखें आर वन आर टू और आर थ्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आर वन पोजिशनल वेक्टर ऑफ द क्यू वन है, क्यू वन की पोजिशनल वेक्टर क्या है आर वन है, क्यू टू की पोजिशनल वेक्टर क्या आर टू है, क्यू थ्री की पोजिशनल वेक्टर क्या है आर थ्री है। तो इससे ना अपने को दोनों तीनों के बीच की ना हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर दूरी को ऐसा निकाल रहे हैं ना, पहला का दूसरा का तीसरा का। तो ये ना अपने को डिस्टेंस होगा, तो अपने को कैसे दिखाते हैं थोड़ा सा कन्वेंशन को याद रखिएगा, ये डिस्टेंस होगा आर टू माइनस आर वन आर टू वन, इसको हम लोग जो डिस्टेंस होगा क्या दिखाते हैं आर थ्री टू, थ्री और टू के बीच का, और थ्री और वन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा थ्री एंड वन ऐसा कर 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 जाएगा। तो इससे फिर ना हम लोग आगे निकलते हैं, तो क्या हो रहा है इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझने का अच्छे से प्रयास करना है कि बार बार ये क्वेश्चन हमेशा आएगा आपको।
तो क्या होगा कि सबसे पहले वन और टू के बीच में जो चार्ज होगा, है ना, मैं क्या हूँ एक चार्ज को पहले फिक्स कर देता हूँ और किसी दूसरे चार्ज को मैं कहीं से लेके आता हूँ, तो उसमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है, तो ये जो स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं, वन टू, ऐसा हो गया। फिर से ना सेकेंड क्या हो गया, वन और थ्री के बीच में जो हो गया तो वन थ्री, और फिर क्या टू और थ्री के बीच में होगा। तो सबसे पहले एक चार्ज को हम लोग यहाँ फिक्स कर लेते हैं और दूसरे चार्ज को लाते हैं, तो दूसरे चार्ज के लिए क्या है, वन और टू के बीच में होगा। फिर जब मैं तीसरे चार्ज को लाऊंगा तो क्या होगा, वन और टू के बीच में होगा और टू और थ्री के बीच में होगा। यदि मैं चौथे चार्ज को लाऊंगा तो क्या होगा, वन का फोर के साथ, टू का फोर के साथ, थ्री का फोर के साथ, है ना, तो उसमें फिर से अपने होगा तीन चार्ज यहाँ पर ऐड होगा। तो इस फॉर्मूला को ना थोड़ा सा याद रखिएगा कि जब भी ना ऐसा चार्ज पार्टिकल जब कई सारे होंगे, वह एक होगा, दो होगा, तीन होगा, है ना, थोड़ा सा यदि तीन होगा तो उसको स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग ऐसा दिखाते हैं, क्यू वन क्यू टू अपॉन जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर वन, और या आर टू आर वन भी दिखाते हैं, और सेकेंड क्या क्यू वन क्यू थ्री आर थ्री माइनस आर वन दिखाते हैं, और तीसरा जो हो गया वन बाई फोर एप्सिलॉन अपने लोगों को, और क्या क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर थ्री माइनस आर टू को ना यहाँ से दिखाते हैं। तो ये इसको ना हम लोग इसको ऐसा भी ना दिखाते हैं, तो इसको अपने लोग ना अपने फार्मूला क्या याद करना बहुत आसान होगा, तो इसको थोड़ा सा दिखिएगा, ये अपने को जो मेन जो ट्रिक्स है इसको याद करना मुश्किल है। तो क्या है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और ये आपका क्या होगा Q1 Q2 माने वन और टू के बीच में अपॉन दोनों के बीच का दूरी, फिर क्या Q1 का Q Q3 से, फिर क्या होगा Q2 से Q3 से, जितने पेयर्स बनते हैं ना सबको लिखना है। अब इससे ज़्यादा आप पेयर बना नहीं सकते, है ना, क्योंकि तीन चार्ज होगा तो वन का टू के साथ, वन का क्या थ्री के साथ, और फिर कैसे बनेगा थ्री का टू टू के साथ, तो ये तीन ही पेयर बनेगा। फिर मैं थ्री वन रखूँ तो वही रिपीट कर जाएगा, तो जितने पॉसिबल पेयर होंगे ना वो सबको अपने रखना। तो जब भी ना अपने एन चार्ज होंगे तो जितने पॉसिबल पेयर बनते हैं, है ना, दोनों चार्ज के बीच में, उसको हम लोग क्या करते हैं एक साथ यहाँ पर रखते जाते हैं। और ये हो गया क्या वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, क्या हो जाता है यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है। तो अपने को ना एन चार्ज होगा मतलब कई सारे चार्जेस होंगे, तो उसको हम लोग ना ये फार्मूला का यूज करते हैं, है ना। तो कैसे रहता है यहाँ पर, ये यहाँ से अपने को हाफ के ऊपर ले कि टोटल पेयर कितने बन रहा है, तो टोटल पेयर जितने बनते हैं तो डबल पेयर बन जाता है, इसलिए एक साथ में ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हाफ पेयर कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ से सिग्मा है आई को और जे को, है ना, क्यू वन क्यू टू और दोनों के बीच के डिस्टेंस को निकालते हैं, और क्या होगा जे वन से एन तक जाता है मतलब वन टू थ्री फोर रखते जाते हैं, और I के वैल्यू भी क्या करते हैं एक से n तक रखते जाते हैं, मैंने ये वैल्यू को सर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये ब्रेक करते करते जाते हैं, है ना, और इसका जितना पेयर बनता है उसका आधा कर लेते, क्यों कहेंगे डबल पेयर बने एक वन का थ्री के साथ, थ्री का वन के साथ बनेगा, सर डबल पेयर बनेगा, तो उसको हम लोग क्या आधा कर लेते हैं। तो ये क्या है जनरल फार्मूला क्या होगा एन चार्जेस के लिए, क्या होगा ये होगा। तो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, अपने को जितने कंपटीशन के क्वेश्चन है वो मैक्सिमम थ्री या फोर तक पूछता ना, उससे बड़ी चार्जेस को नहीं पूछता, क्यों क्या उसको अपने को वैल्यू को निकालना क्या कठिन होगा। तो आपको ना हमेशा जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना अपने को जेई में मेन में एडवांस में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कभी दो का कभी तीन का ना, उससे ज़्यादा बड़ी फार्मूला इसमें नहीं आते। तो ये फार्मूला को याद रखना कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, है ना। अब मैं इसको इसी तरह दिखा रहा हूँ कि एन चार्ज होगा तो क्या होगा, है ना, तो इसे हम लोग ना फिर से ये निकल जाते हैं। तो आइए अपने लोग को ना, तो हम लोग आगे का जो आज का टॉपिक था वे क्या था, गॉस थ्योरम था। तो गॉस थ्योरम को अपने समझने से पहले एक एरिया वेक्टर को समझना जरूरत होता है, है ना। तो आइए एरिया वेक्टर क्या है पहले समझते हैं, और एरिया वेक्टर का यूज करके ही ना क्या है किसी गॉस थ्योरम का हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। तो ये हेलो ना एरिया वेक्टर करते हैं, तो स्मॉल एरिया ऑफ द सरफेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर, ना मतलब क्या होगा बहुत छोटी सी एरिया है और हम लोग एरिया को ना क्या क्या करते हैं अपने को वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपने देखते हैं यहाँ चित्र में। तो क्या हो रहा है एक स्मॉल एरिया है, है ना, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं सरफेस एरिया है, यहाँ एस क्या दिखा रहा है सरफेस एरिया है, और इस पर ना अपने को क्या रहेगा ये एरिया को हम लोग ए से ना दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है स्मॉल एरिया होगा उसको डी एस से दिखाते हैं, थोड़ा सा ये नोटेशन को दोस्तों याद रखिएगा। एक जो होगा पूरे एरिया को हम लोग एस बोलते हैं, और इसमें एक स्मॉल एक छोटी सी एरिया को हम लोग यहाँ पर लेते हैं, और इस स्मॉल एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं डी एस से, ऐसा करके दिखाते हैं। डी एस बोलने से क्या स्मॉल एरिया है ना, उसका एक एलिमेंट। अब उसका क्या एक नॉर्मल का ना डायरेक्शन हमेशा होगा, है ना, तो इसमें हमेशा क्या होगा एक इसका नॉर्मल डायरेक्शन। तो फिर अब क्वेश्चन है क्या कि किस साइड में अपने को इसका डायरेक्शन लिया जाए। तो अपने को ना क्या होगा इसके ना डायरेक्शन आप अप में भी ले सकते हैं, इसका डायरेक्शन क्या डाउन में भी ले सकते हो।
तो ये अपने ऊपर ना प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं किस साइड लेते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर मूव करता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है उसी डायरेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं इसका नॉर्मल वेक्टर लेते हैं ना, जिस डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। तो ये क्या हुआ अपने को नॉर्मल वेक्टर ये ऐसा रहेगा। तो इसके ना अपने को क्या हुआ एरिया ds हो गया और उसका जो वेक्टर हो गया ये ns हो गया। तो क्या हुआ हम लोग ना ds है एक वेक्टर क्वांटिटी है, रियल में क्या है ds जो होता है एरिया जो होता है ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है, अदिश है, लेकिन हम लोग इसको क्या सदिश बनाने के लिए वेक्टर बनाने के लिए क्या ये करते हैं ds और क्या करते हैं n का यूज करते हैं, ds और n यहाँ पर यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि उसमें से कितने इलेक्ट्रिक ऑफ लाइन पास करेगा, तो ये क्या है एक क्लोज एरिया है ना, एक एरिया है क्या है ये क्लोज एरिया है, तो ये क्या है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहा है ना। तो इसको आप देखिएगा एक ये है और ये क्या हुआ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से क्या कर रहे हैं पास कर रहे हैं ना, ऐसा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को यहाँ से हम लोग पास कर रहे हैं। तो ये अपने को कोई भी एरिया होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्यों हो रहा है, कोई चार्ज कहीं प्रेजेंट है तो उसके कारण क्या होता है कुछ फोर्स अपने को एक्ट करते रहता है दूसरे पर, तो उस जो लाइन्स हम लोग क्या इमेजिनरी लाइन है मतलब क्या काल्पनिक लाइन हम लोग रहता नहीं है सच्चाई में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स का एक क्या हो काल्पनिक लाइन को बना लेते हैं इमेजिनरी लाइन इसको, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इमेजिनरी लाइन को क्या बोलता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या क्या करता है यहाँ से ऐसा पास करता है। तो ये अपने कोई भी अलग अलग सरफेस एरिया हो तो इसको हम लोग ना यहाँ से दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या है एक छोटा सा ये एरिया है, ये पोर्शन का यहाँ पर एरिया है, इससे अपन लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से पास कर रहे हैं, तो ये ऐसा हो गया ds ना। फिर से हम लोग क्या दूसरा एरिया ऐसा ले तो उसका क्या नॉर्मल फोर्स कहाँ होगा ये ऐसा होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसका इसका नॉर्मल फोर्स क्या होगा ये ऐसा होगा है ना, यहाँ पर जो है नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फोर्स से कितना एंगल बना रहा है थीटा एंगल है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना बनेगा जीरो बनेगा, क्योंकि अपने को ds भी इसी डायरेक्शन में e का भी, तो यहाँ थीटा का वैल्यू जीरो होगा, यहाँ थीटा का वैल्यू कुछ अपने को वैल्यू आएगा है ना, यहाँ पर थीटा है उसको मेजर करें। उसके बाद फिर से किया बना रहे हैं आप, तो ये क्या होगा ds उसका होगा, यहाँ थीटा एंगल क्या होगा 90 बन रहा। तो आप देखिए क्या कि मैं जब यहाँ इस ये अपने को सरफेस को लिया तो ये क्या ये डायरेक्शन में बना और ds और ये क्या है e क्या है दोनों सेम है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा आपका जीरो होगा, यहाँ पर जो हो गया ds है और ये है तो यहाँ कुछ थीटा के वैल्यू आएगा और ये जो है यहाँ एंगल ये क्या थीटा के वैल्यू क्या होगा 90 आएगा। तो इसको हम लोग ना थोड़ा सा एंगल को कैसे निकालते हैं ध्यान रखिएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर से क्या करते हैं कोई एक सरफेस एरिया लेते हैं और सरफेस एरिया का क्या हुआ उसके 90 डिग्री पर एंगल बनाते हैं और उसके बीच का जो एंगल होगा ना उसको हम लोग क्या करते हैं थीटा से देखते हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा कैसा हुआ ऐसा हुआ और फिर से उसका एंगल क्या ऐसा बनेगा है ना, ई से वो एंगल क्या बन रहा है उसको थोड़ा सा अपने को ध्यान में ऐसा करके देखिएगा, ऐसा रख करके ऐसा बनेगा ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद फिर से यहाँ पर हम आगे बनाते हैं, तो इसमें क्या होगा इसका नॉर्मल फोर्स क्या होगा इस डायरेक्शन में आएगा है ना, क्योंकि आउटवर्ड हो गया है, मैं इधर क्यों नहीं ले रहा हूँ ये हमेशा क्या होता है सरफेस का ये आउटवर्ड डायरेक्शन होता है ना, हमेशा जो सरफेस क्लोज सरफेस उससे क्या आउटवर्ड डायरेक्शन में अंदर कभी नहीं जाता है ना, इसका जो नॉर्मल फोर्स होगा हमेशा क्या होगा सरफेस से क्या आउट डायरेक्शन में ऐसा निकलता है, तो इसलिए अपने लोग ना इसको ऐसा ले रहे हैं। तो यहाँ पर रखने के बाद फिर से क्या होगा इसका आउटवर्ड डायरेक्शन क्या होगा ये होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है थीटा ये 180 डिग्री बन रहा है ना, और यहाँ पर थीटा क्या हो रहा है ये 180 से थोड़ा कम बनेगा लेकिन 90 से कुछ ज़्यादा बनेगा, ये जो एंगल होगा ये 90 से ज़्यादा बनेगा और इससे क्या कम आएगा। तो ये जो फ्लक्स होता है ना ये फ्लक्स क्या है डी फाई है, तो एक स्मॉल एरिया से कितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करता है उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। आप देखिएगा एक फ्लक्स फ्लक्स वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज करता है, तो फ्लक्स कुछ नहीं है एक स्मॉल एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन कितने पास हो रहे हैं है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लक्स बोलते हैं। तो उसको कैसे हम लोग निकालते हैं तो ये फार्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा, डी फाई हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ये अपने को क्या हो गया ई बोलने से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और यहाँ पर क्या हुआ डी एस बोलने से क्या हुआ एरिया ना, तो डी एस बोलने से क्या ये एरिया हो गया और इसको हम लोग ना वेक्टर को हम लोग खत्म करना चाह रहे हैं तो इसको मैं क्या कर ई डी एस कॉस थीटा, हम जानते हैं कि डॉट अपने को ना प्रोडक्ट यूज जब भी करते हैं दो के बीच में तो ये हो गया ई डी एस कॉस थीटा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ अपने को ई को ना ये कॉस डी एस के टर्म में उसका कितना कंपोनेंट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये क्या हुआ ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका यहाँ से निकलते जाता है। तो हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे अलग अलग उसको आइए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको ना ऐसा इंटीग्रेशन के द्वारा भी दिखाते हैं, ये पूरा होल एरिया क्या करता है सरफेस एरिया है एस बोलने से क्या पूरे सरफेस एरिया पर निकालना है टोटल सरफेस एरिया पर निकालना है, तो हमारे को एस लिखना है
और ये है ई इंटू डी एस करते हैं, तो इसको मैं करता हूँ तो ई एस कॉस थीटा और हो गया ई इंटू एस, ऐसा कर गया। तो ये ना इलेक्ट्रिक प्लस ऑफ द स्केलर क्वांटिटी है ना, लेकिन उसको हम लोग ना वेक्टर की तरह, तो इसका जो एसआई यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ना, या हम लोग न्यूटन को जूल भी लिखते हैं, जूल मीटर पर कूलम हमारा क्या होगा, ये क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसा आ जाता है। तो ये यहाँ पर ना हम लोग कैसे यहाँ पर निकालते हैं, तो कुछ ना स्पेशल केस को दिखा दे, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा जीरो से अपने लोगों का 90 के बीच हो करता है, तो कॉस थीटा हमेशा क्या होता है प्लस हो जाता है ना, जीरो से 90 तक हमेशा क्या होता है प्लस हो जाता है, उसलिए जो भी फाई आएगा ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब ना ई और अपने को एंगल जो ऑफ जो होगा डी फाई के दोनों के बीच का एंगल जब 90 डिग्री से कम होगा, 90 से कम होगा, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा फाई के वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि इसका कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो से 90 तक हमेशा क्या पॉजिटिव होता है। ये क्या होगा 90 होने पर क्या कॉस थीटा 90 बराबर कितना होता है जीरो, तो कॉस थीटा 90 जीरो होने से क्या होगा ये वैल्यू अपने लोग का फाई का वैल्यू हमेशा जीरो आ जाएगा। तो 90 डिग्री से जब भी निकलेगा तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो उस केस में क्या होगा ये यहाँ पर जीरो आ जाएगा। फिर क्या होगा 90 से 180 में कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा निगेटिव होता है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जीरो से 90 तक हम लोग कॉस थीटा चलते हैं तो ये क्या होता है पॉजिटिव, 90 पर कितना जीरो, जीरो पर कितना जीरो पर क्या वन होता, कॉस जीरो बराबर वन होता, कॉस 90 बराबर क्या हो गया अपने को जीरो, और फिर उसके बाद रिड्यूस होने लगता है माइनस में आ जाता है, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर ये 90 से लेकर के 180 में क्या हो गया कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव हो जाता है, उसलिए इस फाई को हम लोग क्या बोलते हैं निगेटिव बोलते हैं। तो इसको ना अपने लोग को, तो ये सॉलिड एंगल को भी हम लोग यहाँ पर समझते हैं, बहुत बार क्या होता है एक विशेष प्रकार का ना फिजिक्स में एंगल का यूज करते हैं थ्री डायमेंशनल एंगल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल ना, तो एक बार सॉलिड एंगल क्या होता है इसको भी यहाँ पर थोड़ा हम लोग समझते हैं, इसकी भी जरूरत अपने को ना बहुत सारे प्रॉब्लम को बनाने में लगेगा। तो ये क्या होगा एक अपने को एंगल बन रहा है, तो अभी तक हम लोग क्या करते थे टू डायमेंशनल का यूज करते थे ना, एक ऐसा करके और हम लोग कैसे बनाते थे, तो आप ऐसा यूज करते थे, ऐसा लेते थे ऐसा, और ये एंगल बना करके ये ऐसा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं टू टू डी ऐसा बोलते हैं, और ये क्या होगा थ्री डी हो गया। तो क्या हो गया जब ना थ्री डायमेंशन होगा ना तो सॉलिड एंगल बनता है, सॉलिड एंगल बोलने से क्या हुआ एक सरफेस एरिया होगा ना, इसमें क्या हो एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं थीटा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं टू डायमेंशन, मतलब किसी लाइन के ऊपर एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं थीटा है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं टू डायमेंशन। लेकिन जब मैं कोई सरफेस एरिया वहाँ रख दूँ ना, मैं सरफेस एरिया तो समझ रहे ना कुछ ऐसा कुछ एक एक ये एरिया है हमारा ये सरफेस एरिया है, तो मैं कहीं सरफेस एरिया को यहाँ पर रख दूँ तो सरफेस एरिया का जो एंगल बनेगा वो एक थ्री डायमेंशनल एंगल बनेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपने को सॉलिड एंगल बोलते हैं। और इसका यूनिट थोड़ा सा याद रखिएगा हमेशा यूज होता है, तो क्या लिखते हैं स्टे रेडियन ना, तो क्या हो गया दो टाइप का अपने एंगल हम लोग यूज करते हैं, एक रेडियन यूज करते हैं, रेडियन क्या होगा टू डायमेंशन के लिए होगा, और जो स्टे रेडियन होगा ना वह हमेशा क्या होगा थ्री डायमेंशन के लिए होगा। तो जब भी ना आप थ्री डायमेंशन का यूज कीजिएगा तो याद रखिएगा एक सरफेस माने एरिया के ऊपर जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपने को थ्री डायमेंशन में और सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट क्या होगा स्टे रेडियन ना, तो स्टे रेडियन का हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं। तो आइए इस एंगल का ना अपने को ना कई जगह जरूरत पड़ेगा, इसको यहाँ से देखते हैं। तो इसके बाद ना अपने लोग क्या हुआ यहाँ से और आगे निकलते हैं, तो ये एक ना अपने को उसका भी हमेशा क्या होगा ये एक एंगल बनेगा, और ये जो एंगल बनेगा इसको क्या स्टे रेडियंस है ऐसा दिखाएगा है ना, तो ये क्या होगा रेडियस हो गया वेक्टर हो गया उसका, और ये जो एंगल होगा ना ये डी फाई का ये क्या स्टे रेडियन होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल ना। तो उसमें हम लोग ना कैसे करते थे टू डायमेंशनल एंगल के लिए हम लोग डी थीटा का यूज करते थे, थ्री डायमेंशनल के लिए क्या होगा हम लोग ना ऐसा ये यूज करते हैं ना स्टे रेडियन ना, स्टे रेडियन ये क्या है रेडियन बोलते हैं ये रेडियन, और ये क्या है स्टे रेडियन। तो स्टे रेडियन के लिए हम लोग क्या ये सिंबल का यूज करते हैं ना, इसको हम लोग ना ओमेगा भी बोलते हैं ना, अपने को स्मॉल ओमेगा भी ये साइन को ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं थीटा। तो क्या हुआ ये डी डी थीटा हो गया और ये क्या हुआ डी ओमेगा हो गया ना, तो डी ओमेगा का यहाँ पर यूज करते रहते हैं। तो ये यहाँ पर ना अपने लोग को ये करने की ज़रूरत है समझने की, तो इसको हम लोग ना यहाँ पर भी कोई अपने को वेक्टर है ये क्या है एन है, अपने को ये एन क्या है ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ना, और यहाँ पर कुछ अपने को डी एस है, तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ थीटा बन रहा है, तो ये ना अपने लोगों का यहाँ पर सेंटर में बनेगा। तो डी फाई जो जो कर जाता है उसका कॉस कंपोनेंट लेते हैं डी एस कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर ना,
तो ये हो गया। और इसको पूरे को सरफेस एरिया पर निकालते हैं तो होल एंगल ये चला आता है ना, ये क्या होता है पूरा एंगल ओमेगा आ जाता है और इक्वल टू ये क्या है यहाँ से ऐसा निकाला। तो ये हमेशा क्या होगा जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या 4/2। तो थोड़ा सा ये बात को भी याद रखिएगा कि क्या होता है जब टू डायमेंशनल होगा है ना तो हम लोग क्या होता है 2π होता है। अब जब ना सॉलिड होगा ना तो क्या 4π। इसलिए आप देखिएगा एरिया को निकालते समय हम लोग जब सर्किल का एरिया निकालते हैं क्या लिखते हैं 2π r2। तो 2π कहाँ से आ रहा है वे अपने को क्या प्लेन एंगल है। तो प्लेन एंगल का टोटल वैल्यू क्या होता है 2π होता है ना, क्या 0 से 90, 90 से 180, 80 से 270 और ये तो क्या है ये टोटल 2π हो जाता है। लेकिन ना जब मैं इसको ना अपने को क्या हो 3D में जब यूज करूँगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4π अपने को हो जाएगा। क्यों, इसलिए हम 4π r² लिखते हैं सॉलिड एंगल पर ना। तो आप देखिएगा क्या सर्किल का निकालने के लिए π r² लिखते हैं, 2 अपने को π और उसमें क्या लिखते हैं 4π r² ना। तो इसका टोटल एंगल जो हो जाता है वह 4 यहाँ से आ जाता है। तो ये हम लोग ना यहाँ से अपने थ्योरम को समझते हैं और ये क्या है गॉस थ्योरम यहाँ से हो गया है ना। तो ये सबसे पहले ये गॉस थ्योरम है क्या, अपने क्या यूज है, तो अपने को क्या रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड को वैल्यू को निकालना है ना, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं गॉस थ्योरम का यहाँ पर यूज करते हैं ना। तो गॉस थ्योरम का यूज करके आप बहुत आसानी से कहीं भी कोई फोर्स को निकाल सकते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो वहाँ हम लोग चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर्स निकाल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। तो थोड़ा सा थ्योरम को आप समझते हैं और उसके बाद फिर कैसे अप्लाई करेंगे ना उस प्रॉब्लम को अपने को ना यहाँ पर समझना है। तो यहाँ से ऐसा कर देते हैं तो क्या हो रहा है गॉस थ्योरम है ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलता है ना QE ऐसा हो जाता है ना इक्वल टू। तो इसका जो वैल्यू हो जाता है ये क्लोज अपने को सरफेस होता है, मैं सरफेस क्या होना चाहिए क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज सरफेस में और क्या होता है E हो गया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है और ds बोलने से टोटल एरिया है उसका है ना इक्वल टू तो 1/ε0 और टोटल चार्ज इंक्लूड इन द सरफेस ना। कैसे हम लोग करेंगे, जैसे कि मान लिया जाए एक ऐसा सरफेस हम लोग ऐसा रख लेते हैं ऐसा, इसके अंदर क्या Q1 है Q2 है ऐसा रखे Q1 है Q2 है Q3 है और ये क्या है Q4 है ऐसा करके 1, 2, 3, 4 है ना, ये चार्ज अपने को चार्ज है। तो मैं सबको क्या करूँगा सम करूँगा तो कैसे लिखूँगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस क्या लिखूँगा Q4 और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स कितने 4 है तो इसको अपने लोग क्या सॉरी इसको अपने फिर डिवाइड क्या कर लेते हैं S0। तो ये हो गया यहाँ और जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना ये φe जो होगा ये इक्वल टू इतना होगा और φe हमारे को जानते हैं ये क्या होता है क्लोज एरिया में S और क्या हो जाता है EdS ऐसा चला जाता है। तो हो गया E और यहाँ हो गया क्या ds ना। तो ये अपने लोग का ना यहाँ से ऐसा करके ये निकल जाता तो ये और ये हमेशा क्या होगा बराबर होगा। तो आइए इसको और ना हम लोग अच्छे से ना यहाँ पर समझते हैं और इसका अपने लोग को ना यहाँ पर यूज करते हैं यहाँ पर। तो इससे ना अपने लोग का तो ये अपने लोग को ना क्या हो फाई हो गया ई हो गया ds हो गया और ये यहाँ से हम लोग क्या हो गया आगे की ओर ऐसा करके यहाँ से निकलते हैं। तो ये गॉस थ्योरम को ना हम लोग यहाँ से दिखा रहा है कि एक अपने को क्या हुआ इसको प्रूफ करने के लिए एक हम लोग क्या हमेशा स्फीयर लेते हैं ना गोले का अपने लोग यूज करते हैं स्फीयर हो गया और इस पर क्या होगा एक वो यूनिट है उस पर क्या है एक चार्ज क्यू है और कोई भी एक छोटा सा एरिया हम लोग क्या किए ds रख लिए सॉलिड एंगल ये क्या उसका ds हो गया एंगल और इसको क्या हुआ ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है ना। तो फिर से अपने लोग यहाँ से ऐसा देखते हैं हमेशा क्या करेगा एक अपने को हमेशा अपने को गोले लेते हैं इस स्फीयर के अंदर कहीं पर भी ना क्यों कहीं भी रह सकता है ना, जरूरी नहीं कि वही सेंटर पर रहे किसी भी पोजीशन में रह सकता है। एक छोटा सा स्मॉल एरिया रख लेता है और यहाँ से क्या होगा एक ds का यूज करता है ये यहाँ से। तो ये इसको हम लोग ना इंटीग्रेट करते हैं तो d5 बराबर हम जानते हैं EdS ऐसा होता है और 1/4π और टोटल चार्ज तो टोटल चार्ज यहाँ पर कितना इंक्लूडेड है क्यू है r² और इंटू क्या हो गया यहाँ पर ds ऐसा करके ये चला आता है। तो इसको ना अपने लोगों को क्या हुआ d5 को हम लोग पहले ये अपने को निकाल रहे हैं तो d5 इक्वल टू क्या हो रहा है अपने को मैं राइट साइड को पहले सॉल्व कर रहा हूँ ना ये पोर्शन को तो 1/4π ε0 Q0 और ये क्या है ds/r² ना। तो आइए इसको अपने सॉल्व करते हैं तो अपने को क्या हो गया यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू 0 है
उसलिए क्या हुआ, यहाँ पर वन ऐसा आ गया है ना, यहाँ पर अपने को डॉट डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कवर करना चाहते हैं, तो ये अपने को क्या हो गया, ये हो गया डी फाई इक्वल टू वन बाई फोर पाई ना एप्सिलॉन जीरो, और इससे ना अपने को क्या हुआ, यहाँ से क्लोज एरिया को हम लोग फिर से लेते हैं तो इक्वल टू इंटीग्रेट कर दे, कोई एरिया क्लोज है और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, फोर पाई आर स्क्वायर ना, तो ये हम लोग जानते हैं, तो इसको हम लोग ना ये रख रहे हैं, ये इंटीग्रेशन साइन को यहाँ पर हम लोग ना रख रहे हैं, तो ये क्या हो गया अपने को वन अपॉन फोर पाई और ये हो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्या है ये इंटीग्रेशन का इसकी जो वैल्यू है ना अपने लोगों को क्या हो गया फोर पाई आर स्क्वायर हो, इसको इसको पूरा पूरा इंटीग्रेट कर, तो डी फाई ये मैं इधर इंटीग्रेट कर तो डी फाई आ गया, इसको इस साइड इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो क्या है सब कॉन्स्टेंट है, मैं बाहर निकाल लिया डी एस केवल ये यहाँ बच गया है ना, मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ इसको ना ऐसा इंटीग्रेट यहाँ कर रहा हूँ और इसका इंटीग्रेशन यहाँ कर ले रहा हूँ, तो ये क्या है ये बन गया डी फाई ऐसा, और ये वाला इंटीग्रेट होने पर और इसको इंटीग्रेट वन बाई फोर फाई क्या क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल ले डी एस, और डी एस बराबर क्या होता है पूरे एरिया जो निकालते हैं ये क्या हो गया फोर पाई आर स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो गया वन अपॉन फोर पाई और क्यू अपॉन आर स्क्वायर और फोर पाई आर स्क्वायर ऐसा हो गया है ना, तो इससे हम लोग ना इसको इंटीग्रेट किए हैं, तो इसे इंटीग्रेशन साइन को ना अपने लोग नीचे की ओर ऐसा करके दिखा रहे हैं, तो इससे ना अपने लोगों को क्या हो गया ये वैल्यू हमेशा क्या है चार्ज जो पार्टिकल है अंदर में स्टोर है ना, तो वन बाई फोर पाई क्यू आर स्क्वायर ये आ गया फाइव, और फाइव के वैल्यू हम लोग जानते हैं फाइव के वैल्यू क्या होता है वन बाई एफ सेवन जीरो टोटल चार्ज स्टोर, तो एक ही चार्ज स्टोर है तो क्यू अपॉन आर हो गया, तो अपने को ना जो रिलेशन है ना ये अपने को क्या हो गया ये यहाँ हो गया, और इसकी वैल्यू क्या है ये है ना, मैंने ये अपने को ई डी एस को हम मैं इंटीग्रेट किया तो ये टोटल ये मिला, और क्यू अपॉन आर के वैल्यू क्या है ये मिल गया है ना, तो यहाँ से तो हम लोग इसको आगे सॉल्व आउट में कर रहा हूँ, तो इससे ना अपने को ना क्या हो जाएगा ये गॉस थ्योरम ऐसा आ गया है ना, यहाँ से ऐसा रख कर गए और ई हो गया, और यहाँ से आप कह रहे हैं आर को निकाल रहे हैं आर यहाँ पर डी फाई हो गया, और फिर से यहाँ पर ये एंगल को ना यहाँ से निकालते जा रहा, तो ये जो लास्ट फार्मूला से मैं थोड़ी तेजी से निकाल रहा हूँ ये हो गया अपने लोगों का डी फाई हो गया, और यहाँ से अपने को टोटल जो हो गया ये हो गया यहाँ से ये निकल जाए, तो इससे ना अपने लोगों ना क्या हुआ यहाँ के प्रॉब्लम को हम लोग ना ये देखें कि ये यहाँ पर डी फाई हो गया, तो हमेशा क्या होगा कि जो भी सरफेस एरिया होगा ये टोटल ये हो गया और इक्वल टू क्यू अपॉन ये क्या हो गया डी फाई ऐसा चलाएगा यहाँ से, और इससे ना अपने को ये हो तो कूलम्स लॉ को ना हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ये गॉस लॉ से ना डिराइव कर सकते, तो क्या होगा दोनों लॉ जो है ना एक ही समय में लगभग आया है और दोनों लगभग लगभग अपने को हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कूलम लॉ से हम लोग क्या कर सकते हैं सही प्रॉब्लम को बना सकते हैं और गॉस लॉ से भी सही प्रॉब्लम को अपने लोग क्या कूलम लॉ से गॉस को मैं प्रूफ कर सकता हूं और गॉस लॉ से क्या है कूलम दोनों एक ही चीज़ है, बस दोनों का क्या होगा लिखने का जो तरीका है ना बस वही डिफरेंस है, तो इसने जो प्रॉब्लम है दिखा रहा है कि मैं गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ को भी बना सकता हूँ है ना, कूलम्स लॉ और उल्टा भी है ना कूलम्स लॉ से आप क्या गॉस लॉ को भी ना प्रूफ कर सकते हो, तो दोनों एक ही चीज़ है बस लिखने का तरीका क्या है अलग है, तो इसको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे ये सॉल्व किया, तो एक अपने को इस स्फीयर है गोला रख लिया हम लोग, वहाँ पर एक चार्ज क्या है क्यू है और चार्ज करने के बाद क्या है उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक छोटा सा एरिया डी एस रख लिया है और यहाँ पर एक अपने को स्मॉल एरिया रख लिया, तो क्या है फ्रॉम गॉस लॉ हम लोग लिखते थे, हम लोग अभी तो गॉस लॉ से पढ़े थे डी फाई इक्वल टू ई और क्या हुआ डी एस है ना ये क्लोज एरिया में हमेशा, तो याद रखेंगे हमेशा क्या क्लोज एरिया है इसलिए ये साइन का यूज कर रहा है एस है और इक्वल टू क्यू अपॉन क्या हो गया एप्सिलॉन जीरो ऐसा रह गया है, तो इससे ना अपने को ई और डी एस आर इन द क्या हुआ सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ से अपने लोग ना यहाँ पर दिखा रहे हैं तो ई फाई इक्वल टू ई डी एस है और इक्वल टू क्यू अपॉन ई फाई यहाँ पर हम लोग आगे निकल रहे हैं, तो देखिए इसी को आगे फिर हम लोग ये सॉल्व करते, तो इसका फिर इजी है निकालना, तो ये क्या होगा यहाँ से आगे हम लोग जल्दी से निकाल रहे हैं, तो इस ये क्या ई हो गया कॉन्स्टेंट और डी फाई क्या होता है डी एस इसका पूरा एरिया हम लोग निकालते तो क्या फोर पाई आर स्क्वायर, तो मैं ई को ऐसा कॉन्स्टेंट था उसलिए मैं यहाँ रख लिया है ना, और क्या हुआ डी एस की वैल्यू क्या हो फोर पाई आर आर स्क्वायर हो गया इक्वल टू क्यू अपॉन क्या हो गया एप्सिलॉन जीरो, और इससे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ई है तो मैं यहाँ साइड से डिवाइड करूँगा तो ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ये अपने लोग का ना क्या हो इसको ऐसा कर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यही चीज़ अपने लोग क्या कूलम्स लॉ से लाते थे पहले फोर्स निकालते थे और फोर्स निकालने के बाद क्या क्यू अपॉन क्या कहते हैं ये, तो ये हम लोग अब क्या किससे निकाले थे अभी तक पिछले क्लास में
कूलम्स लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अभी हम लोग क्या किए, गॉस लॉ का यूज करके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ना यहाँ से निकाल रहे हैं। और ये क्या होगा, अपने को क्यू जीरो को यहाँ से प्लेस कर लेगा तो क्या होगा, फोर्स बराबर क्या है, एफ बराबर क्यू ई होता है ना यहाँ से, तो उसको ना अपने लोग को यहाँ पर दिखाने के लिए ये फोर्स हो गया, तो एफ बराबर क्या क्यू ई, तो क्यू इंटू क्यू जीरो, यही क्या है, ये कूलम्स लॉ है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत आराम से अपने लोग क्या करते हैं, गॉस लॉ से आप क्या कूलम लॉ को आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और कूलम लॉ से क्या कर सकते हैं आप, गॉस लॉ को भी ना डिराइव कर सकते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो ये ना अपने लोगों का ये होगा। तो ये गॉस लॉ का यूज़ क्या है ना, मतलब क्या अपने लोग क्या एक ही चीज़ को क्या दो तरह से पढ़, तो क्या होगा, बहुत सारे क्या सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है। सिमेट्रिकल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या होता है, कॉन्स्टेंट कर जाता है कुछ सर्फेस एरिया पर, तो उस पर अपने लोग को उस टाइप के प्रॉब्लम को ना हम लोग क्या हुआ, गॉस लॉ से बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन यदि कॉन्स्टेंट नहीं ना, वेरिएबल है ना, चेंज हो रहा है, तो उसमें आप लोग क्या गॉस लॉ का यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। मगर करने से क्या होगा, अपने लोगों को ना ये होगा कठिनाई ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या है, आपको कूलम्स लॉ से यूज करना होगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या एक सर्फेस पर क्या होगा अपने कॉन्स्टेंट कर जाता है, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग गॉस लॉ से बड़ा आसानी से बना सकते हैं। तो आइए यहाँ पर अपने लोग ना देखते हैं कैसे यहाँ पर उसको ना ये कवर करते हैं, इसको हम लोग ना बनाएंगे। तो यहाँ ये हो गया, तो गॉस लॉ का यूज जो हो गया है कुछ विशेष टाइप के ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने लोग करते हैं। तो यहाँ से आगे हम लोग निकल रहे हैं, है ना। तो यहाँ से आगे की ओर, तो ये गॉस लॉ का ना हम लोग यूज करके आप देखिएगा क्या ये डिफरेंट टाइप का, जैसे कि लाइन ऑफ एक है ना, कोई एक अपने को कंडक्टर है, इसमें कुछ ऐसा अपने को लाइन है ना, अपने को यहाँ से प्लस प्लस ये ऐसा दिया हुआ है ना, ऐसा रहकर ये ऐसा दे रहा है ना। तो इसको ना अपने को निकालना है ये वाले वैल्यू को अपने को, इसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कैसे होगा, तो बड़ा आसानी से ना हम लोग क्या कर सकते हैं, गॉस लॉ का यूज करके ये निकाल सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको ना निकालते हैं। तो यहाँ से आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे ना ये निकलेगा। तो इसको ना थोड़ा सा मैं बैक चला जाता हूँ यहाँ से थोड़ा ऐसा, ये ना अपने लोगों का, हाँ ठीक है। तो हम लोग आगे यहाँ से आ गए, यहाँ से एप्लीकेशन गॉस लॉ को यहाँ से देख रहे थे। तो आइए, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का एक वायर है और उसमें क्या अपने को कोई चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है ना, उसके ऊपर क्या एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, ये एक है ना, ये क्या है, एक अपने को लाइन ऑफ कंडक्टर है ना, कोई भी एक वायर है, इसमें क्या कुछ पुल, अब इसके कारण क्या है, मैं यहाँ पर आर डिस्टेंस पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहता हूँ। तो देखिए कितना आसानी से ना हम लोग गॉस लॉ से पहले निकालेंगे। तो इसकी लेंथ क्या है, अपने को इनफिनिट लेंथ है ना, तो इस पर एक हम लोग क्या करते हैं एक सिलिंड्रिकल सरफेस लेते हैं, एक ऐसा सरफेस लेना है जो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइन उस सरफेस पर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट कर जाना चाहिए, माने वेरिएबल नहीं होगा। क्वेश्चन है क्या, मैं इसको सेंटर क्यों ले रहा हूँ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन यहाँ पर भी कांस्टेंट होगा, यहाँ भी कांस्टेंट होगा, तो सब जगह क्या होना चाहिए, गॉस लॉ का यूज करते समय ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ई जो हो जाता है ना सरफेस पर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना, माने वेरिएबल नहीं होना चाहिए, है ना, हमेशा, तभी क्या है गॉस लॉ ना करेक्ट काम करेगा। उसके लिए अपने क्या एक सरफेस अपने ऐसा ले लें कि इसके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जितना होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या होगा इस सरफेस में भी होगा, तो दोनों पर अपने को क्या हो सेम होगा ना। तो ये होगा गॉसियन सरफेस इज क्लोज सरफेस ऑलवेज होगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा गॉसियन सरफेस इज ए क्लोज सरफेस, हमेशा क्या होगा क्लोज सरफेस होगा, और अपने को अराउंड ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सच द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द सिंगल फिक्स्ड वैल्यू एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ना, ये क्या होना चाहिए हमेशा, क्या होना चाहिए इंटेंसिटी हैज ए सिंगल फिक्स्ड वैल्यू, मतलब वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तभी आप ना इसका यूज आप ना यहाँ से कर सकते हो। तो ये हमेशा आर डिस्टेंस हो गया, इसके लेंथ क्या है एल है, ये अपने अपन एक एरिया ले रहा है ये इस सरफेस पर, अपने को उसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये 90 ऐसा है, यहाँ पर बी पर ले रहे हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इसका डायरेक्शन क्या है 90 हो गया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा है इसका डायरेक्शन ये हो गया 90, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो गॉस लॉ से क्या हो गया अपने लोग इसको देखें डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस, और ये अपने को ई डी एस को कैसे, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर है क्यू अपॉन ई, और ये पूरा सरफेस एरिया जो है वो सरफेस एरिया में निकालता है, ए बी सी तीनों एरिया को ना ये तीन बार में निकालेगा। तो ये हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो ए के लिए पहले तो ई डी एस है ना इस एरिया के लिए क्या है ये अपने लोग को हो गया
सेकेंड क्या होगा, अपने को बी के लिए ऐसा कर लेंगे, और ये क्या होगा अपने को सी के लिए ऐसा कर लेंगे, है ना। तो ई डी एस हो गया, है ना। तो इसका क्या है, ई डी एस कॉस 90 हो गया, है ना। कॉस 90 बराबर जीरो हो गया यहाँ, ये भी क्या होगा कॉस 90 हो गया यहाँ से। और ये जो अपने लोग को जो एंगल बन रहा है, ये अपने लोग को ना क्या हो रहा है, अपने को ई डी एस जीरो हो गया, तो डी एस हो गया। इसको मैं ना जब निकाल रहा हूँ, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा ई इंटू टू पाई आर एल ना, क्योंकि अपने को जानते हैं ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टू पाई आर एल होता है। तो मैं दोनों को ना इक्वेट कर लिया, तो इससे क्या होगा, लेमडा का चार्ज डेंसिटी है, तो ये हो गया लेमडा इंटू एल, है ना। क्यू के वैल्यू क्या होता है, लेमडा एल ना, और इससे ई की वैल्यू हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो ये ऐसा निकाल लिया 1/2πε0ε। तो थोड़ा सा दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू स्ट्रेट लाइन जो आएगा, ये ई इक्वल टू 1/4πε0 और लेमडा बाई क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। और इसका ना अपने लोगों को क्या होगा, ई इक्वल टू 1π0 2/r ना, इन द वेक्टर फॉर्म में अपने लोग ना इसको ऐसा करके इसको लिखेंगे। तो ये ना रेटिवली हमेशा आउटसाइड होगा, और ये ना अपने लोगों का ये निकल जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक एक थीन अपने को प्लेट को अपने लोग ना यहाँ से निकाल रहे हैं, तो इसको ना अपने को एक प्लेट है, तो प्लेट को हम लोग क्या ऐसा ऐसा रख लेते हैं, और इस पर अपने लोगों का ना चार्ज हो गया, ये आर हो गया दूरी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइन को ना हम लोग यहाँ से यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आइए यहाँ से ये दोनों का डायरेक्शन हो गया, है ना। यहाँ ये क्या है, एक प्लेट है ना, और प्लेट पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का इस साइड में होगा, और उसका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या होगा दूसरे डायरेक्शन में भी होगा, है ना। और इससे ना अपने को डीएस डीएस यहाँ से निकल रहा है, तो दोनों को ना हम लोग क्या है यहाँ से ऐसा करके निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी अपने को क्या हुआ, यहाँ तीनों को ऐड कर दो, दो का क्या होगा जीरो जीरो, और यह हो गया क्या 90 ना, तो 90 का क्या क्या होगा जीरो अपने को ना बनते जा रहा है। तो ये क्या होगा 2πER², तो इससे क्या होगा q/r, और इससे ना अपने लोगों को क्या होगा ये वैल्यू अपने को यहाँ से निकल के, और इसका वैल्यू e के वैल्यू यहाँ से निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, हम लोग यहीं पर रुकते हैं। अपने लोग ना कल से इसका कैसे यूज करेंगे, इस एप्लीकेशन को कैसे अपने लोग ना लगाएंगे, उसको अपने लोग ना कल यहाँ पर ये करेंगे, है ना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।